हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विद दिस वीडियो वी विल स्टार्ट रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ चैप्टर। क्लास 1 है आपकी, ये आपके पेपर पे आपको समझाऊंगा सब चीज, बेसिक से टॉप तक समझाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कैसे क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, रीजन असर्शन, सब मैं आपको इन वीडियोज में समझाऊंगा। तो आप पहली वीडियो से ही कवर करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि लेमा क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लेमा क्या होता है, ठीक है। लेमा पढ़ेंगे, LEMMA, ठीक। एक लेमा क्या होता है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या डेफिनेशन है इसकी, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा क्या है, लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और वो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम करती है, दैट इज कॉल्ड लेमा। उसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, उसे बोलते हैं हम लोग लेमा, ठीक। नंबर 2, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी अब साइंटिस्ट है यूक्लिड, उन्होंने दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं इसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे से नहीं कर पाते हैं पर अब सब बच्चे कर पाएंगे इसे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां पे ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका डिविडेंड, क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है। बी क्या होता है, डिवाइजर। क्यू क्या होता है, क्वोशेंट। और आर क्या होता है, रिमाइंडर। ये आप लोग बच्चे जानते हैं क्या, आप लोग क्या जानते हैं बच्चे लोग, आप लोग ये जानते हैं कि इसे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जहां पे ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें आर की, आर इज रिमाइंडर, तो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन B, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है हम लोग डिवाइड करते हैं चीजों को, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो जो डिवाइजर है वो हमेशा ग्रेटर होता है रिमाइंडर से, या दूसरे शब्दों में बोलूं मैं, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है किससे, डिवाइजर से, ठीक, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। थर्ड बात करते हैं एल्गोरिथम। जितना भी बेसिक है इस चैप्टर का वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में आपका कवर कर दूंगा, ऐसे एज इट इज नोट्स आपको अपनी कॉपी में उतारने और इस चैप्टर को पूरा करना है, ठीक है। चलिए एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम क्या होती है आपकी, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, विच इज यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है बच्चे लोग। तो एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम क्या चीज है, एल्गोरिथम आपकी एक सीरीज है किसकी, स्टेप्स की, यानी कि आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करते जाना है, जो भी स्टेटमेंट होगी आपको उसे सॉल्व करते जाना है और
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसे एल्गोरिथम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, तो वो हम क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे कि उसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सिर्फ आप एल्गोरिथम समझ लीजिए, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है इस वाले चैप्टर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या कहती है आपसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विच आर यूनिक। ठीक है, सो सभी बच्चों को समझ में आया क्या लिख रखा है मैंने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज दैट एवरी कंपोजिट नंबर। अब सभी बच्चों के दिमाग में प्रश्न उठा, क्वेश्चन उठा क्या कि सर ये बता दीजिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है बेटा जो दूसरों के टेबल में आता है, यानी जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, वन ना तो कंपोजिट होता ना ही प्राइम होता। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरों के टेबल में आते हैं, यानी जो दूसरों से डिवाइड हो सकते हैं। तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं लिख के दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ठीक है, डिवाइड करने के बाद सपोज करिए लेट रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? पी अपॉन क्यू में। बताइए जल्दी से, रेशनल नंबर किसके फॉर्म में लिखा जाता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। रेशनल नंबर किसके फॉर्म में लिखा जाता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है रेशनल नंबर आपका। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। आप लोगों ने लिखा सपोज 2/3, 5/7, 3/41। ठीक है, इस तरीके से रेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो पी आपका होता है इसमें न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर वाला। पी क्या होता है आपका? न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा जाता है। क्यू होता है आपका डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, राइट। तो अब आपको यह बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बिना डिवाइड करे। आपको यह बताना है कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम क्यू के फैक्टर्स करें, क्या करें? क्यू यानी आपका डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें तो अगर वो किस ऑर्डर के आए? 2m × 5n, यानी 2 की पावर में आए और 5 की पावर में आए, या सिर्फ 2 की पावर में आए या सिर्फ 5 की पावर में आए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं तो या तो वो 2 के फैक्टर के आए या वो 5 के फैक्टर के हैं या दोनों के फैक्टर के हैं, तो नंबर कैसा हो जाएगा आपका? टर्मिनेटिंग, यानी कट जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब नंबर कट जाता है। ठीक है, अगर 2m × 5n नहीं आता है आपका डिनोमिनेटर के फैक्टर, तो नंबर कैसा हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी अगर मैं 10 की बात करूं कट जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 8 की बात करूं कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके या तो 2 के फैक्टर आए
या 5 के फैक्टर आए या 2 और 5 के दोनों के फैक्टर आए। अगर इसके अलावा 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, कुछ और आ रहा है फैक्टर साथ में या अलग भी आ रहा है, तो वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो नंबर आपका कटेगा नहीं। समझ में आई बात सभी के? इसके बाद 6 है, इस चैप्टर में हम लोग SCF निकालते हैं और LCM भी निकालते हैं। पहले बात करते हैं SCF और GCD, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ SCF पता होता है, GCD नहीं पता होता। SCF और GCD एक ही चीज होती है, SCF और GCD एक ही चीज होती है, सभी बच्चे याद रखेंगे। SCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ये आपकी SCF की फुल फॉर्म होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखेंगे सही बच्चे, ठीक है। अब इसका क्या होता है GCD का? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। तो SCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो स्टूडेंट्स, SCF और GCD एक ही बात है। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ SCF पता होता है, GCD नहीं पता होता, बट GCD इज ऑल्सो द SCF, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए हमें 2 या 3 नंबर गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक, जो कॉमन टर्म होगी, जो सब में क्या आएगी, कॉमन टर्म आएगी बच्चे लोग, वो होगा हमारा SCF, ठीक है। जो हमारी सारी कॉमन टर्म्स होंगी वो हम निकालते जाएंगे तो वो हमारा SCF आ जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगर सपोज कीजिए अगर कोई भी कॉमन टर्म नहीं है देन SCF इज 1। उस केस में SCF क्या हो जाएगा हमारा? उस केस में SCF क्या हो जाएगा हमारा 1। याद रखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन में आ जाता है MCQ में, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी कॉमन टर्म नहीं आती है हमारी, तो उस केस में हमारा SCF क्या होगा? उस केस में SCF होगा हमारा 1। बताइए बच्चे, यहां तक क्लियर है सही बच्चों को? SCF तक, LCM पे चलें? चलिए चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, 7th टर्म इज LCM, देख लेते हैं एक बार। 7 ही है ना? हाँ जी 7 ही है। तो 7वां पॉइंट क्या है आपका? 7वां पॉइंट है आपका LCM, ठीक है, सबको क्लियर विजिबल है। 7 क्या है आपका? LCM, LCM stands for least common multiple, राइट। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये LCM की फुल फॉर्म होती है, आप लोग याद रखिएगा, सभी बच्चों को नहीं पता होती है लेकिन आपको पता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसे कैसे निकालते हैं? सपोज कीजिए हमें 2 या 3 नंबर गिवन है, तो जो सबसे बड़ी टर्म है तीनों फैक्टर्स में, वो हम ले लेते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी टर्म है, दैट इज द हाईएस्ट टर्म इन ऑल, इट इज द LCM ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास 2 टर्म है और दोनों में जो हाईएस्ट टर्म है वो हम लिखते हैं, तो वो उसका LCM हो जाता है। तो कैसे हम LCM निकालते हैं, ठीक है, कैसे हम हाईएस्ट टर्म लेते हैं उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, ये हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि LCM की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। चलिए अब नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCF। द 8th पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCF, रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCF, LCM और SCF के बीच में क्या रिलेशन होती है? अगर 2 नंबर मेरे A और B हैं तो LCM और SCF में क्या रिलेशन होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पेपर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है। इफ A एंड B आर 2 नंबर्स, इफ A एंड B आर 2 नंबर्स, देन LCM इंटू SCF इज इक्वल टू A इंटू B। ये बेटा रिलेशन होती है 2 नंबर में और आपका LCM और SCF में, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
क्या लिख सकते हैं हम इसे, एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट सभी बच्चों को याद रहेगा एलसीएम और एससीएफ में क्या रिलेशन होती है, एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, या तो या फिर एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सभी बच्चे याद रखेंगे, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, ठीक है याद रखेंगे, सभी बच्चों को जरूर शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे बेनिफिट उठा सकें, टेंथ क्लास के बच्चे सभी जितने भी आपके रडार में हो सबको भेज देना। नाइन्थ पॉइंट देखिए, नाइन्थ पॉइंट इज दैट ये आपका क्या हो सकता है बच्चे लोग, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्या बहुत जरूरी याद रखिएगा इसे, कि सपोज कीजिए इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इफ पी इज अ प्राइम नंबर सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी ऑल्सो divides a such that a is a positive integer, such that a is a positive integer। तो बच्चे लोग देखो आपने क्या पढ़ा इस वाले में, आपने ये पढ़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट में, ये आपका बहुत काम आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, आपने क्या पढ़ा, आपने बच्चे लोग ये पढ़ा क्या कि सपोज कीजिए अगर P एक प्राइम नंबर है, P क्या है प्राइम नंबर, सपोज 2 है 3 है 5 है, और P डिवाइड्स कर रहा है किसी भी ए स्क्वायर को, P किसे डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो वो A को भी डिवाइड करेगा, वो A को भी डिवाइड करेगा, आपको समझ आया एग्जांपल दूं, चलिए चार है मैं एग्जांपल दूं, ठीक है मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल आगे लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल देखिए सपोज कीजिए पी है आपका 5, पी है आपका 5 ठीक है, ए स्क्वायर है आपका 25, क्या है ए स्क्वायर 25, तो पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, पी किसे डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो बताइए पी ए को डिवाइड नहीं करेगा, तो यहां से ए क्या आ जाएगा 5, तो पी किसे डिवाइड नहीं करेगा, पी ए को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा ना 5 बाय 5 1 आ जाएगा, सपोज कीजिए पी आपका एक आपका प्राइम नंबर है 5 है, और पी स्क्वायर आपका 20, ए स्क्वायर आपका 25 है, ठीक है पी आपका 5 है ए स्क्वायर आपका 25 है, तो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5 आ जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो बताइए पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा 5 5 को डिवाइड नहीं करेगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, पी जब जब 5 5 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी कि हमारा फैक्ट बिल्कुल सही है, तो यानी पी डिवाइड्स ए स्क्वायर और पी डिवाइड्स ए, तो बताइए आप लोगों को बात के लिए समझ में आई पक्का, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं किसके रियल नंबर्स के, तो यही कॉन्सेप्ट थे आपके सारे के सारे, ठीक है जल्दी से वीडियो लेके आऊंगा मैं ऐसे ही आपके लिए, सारी एक्सरसाइज कवर करेंगे उसमें आपकी एनसीईआरटी की आरएसए प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी आपके सारे सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड कर देंगे, इसी तरीके से रोज की रोज क्लास आएंगी आपकी, चाहे पहले दिन आए चाहे अल्टरनेट डे आए, क्योंकि आपको पता है 9 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस हमने ऑब्टेन करी हुई हैं, तो जितनी जल्दी आप आएगी आपकी वीडियो लेके आएंगे, आपकी एप्टीट्यूड भी लेके आएंगे, आपकी रीजनिंग भी लेके आएंगे, क्योंकि आपको एनटीएससी की तैयारी भी करानी है, राइट तो सभी बच्चे जुड़े रहेंगे और सभी को शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे जाएगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आपकी यूट्यूब पे, तो सभी जगह हमें ज्वाइन करें और एंजॉय करें मैथ साइंस रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ऑल द बेस्ट।